सर एक्चुअली 3 दिन में जो कमजोरी बाजार में आई ना, तो लोगों को थोड़े से मन में शंका उत्पन्न हो गई कि क्या ये करेक्शन लंबा खींचेगा, क्योंकि निफ्टी ऊपर से 2.5% करेक्ट हो गया, निफ्टी बैंक 3.5% करेक्ट हो गया था, मिड कैप स्मॉल कैप भी प्रेशर आ रहा था। आपकी सेंस क्या कहती है कि यहां से बाजार में किस तरह की चाल होगी? क्या 3 दिन जो कमजोरी आई वो अब कंप्लीट हो गई है, या फिर आपको लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से एक अपवर्ड जर्नी देखी थी हमने पिछले 1 महीने से, उसके अंदर बट ऑब्वियसली एक करेक्शन आना जरूरी भी था। और आई थिंक ये करेक्शन फर्स्ट टाइम जो करेक्शन है वो हेल्दी करेक्शन है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये करेक्शन में एक रिकवरी, जैसे हम लोगों ने आज देखा एक बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है, और आईटी स्पेस के अंदर जो है वो काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो करेक्शन आया है वो अगेन 2-3% का करेक्शन, एक नॉर्मल बुल मार्केट के अंदर देखें तो 2-3 पॉइंट का करेक्शन, परसेंटेज का करेक्शन है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर रहता है। तो फिलहाल ऐसे कोई बड़ा मार्केट में करेक्शन आ जाएगा ऐसी फिलहाल उम्मीद नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मार्केट एक बड़ी रैली कर गया है, इसलिए थोड़ा साइडवे रहने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है। और नेक्स्ट 20 दिन से हम लोग देखेंगे, 20 दिन के बाद फिर रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट जो है वो कंपनी स्पेसिफिक हम लोग मूवमेंट देखेंगे। बट इंडेक्स लेवल से बहुत बढ़िया कोई करेक्शन आ जाएगा ऐसा चांसेस ये लेवल से तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। और ये जो करेक्शन आया है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, ये निफ्टी के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। ओवरली चार्ट पर आप देखें तो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत जो है वो हमको मिल रहे हैं। और अगर आज क्लोजिंग 17,800 या 800 के ऊपर आता है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फिर से 20,000 के आसपास निफ्टी का है वो एक लेवल टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो व्यू ऑल ओवर जो है वो मेरा यहाँ से एक बुलिश व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए, और ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि यहाँ से साइडवे मूवमेंट देखने को मिल सकता है।